चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज बात कर रहे हैं हम लोग सेकंड एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जो क्या है, हमारी एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलो सबसे पहले आप मुझे बताओ, एक गुड एसिड, गुड मतलब अच्छा, एक गुड एसिड कौन होता है, क्या होता है एक अच्छा एसिड जो इजिली गिव, वेरी गुड, इजिली गिव्स H पॉजिटिव आयंस, और जिसकी पीएच क्या हो, हाई या लो, जिसकी लो क्या हो, पीएच हो, यानी जिसकी पीएच कम हो, जितनी कम पीएच उतना ही अच्छा एसिड, ठीक है। थर्ड, जैसे पीएच होती है ना, ऐसी एक टर्म और होती है के ए, के ए, के इज डिसोसिएशन, हाँ, क्योंकि आपसे ना नॉर्मली पीएच के आप कम पूछते, के ए और पी के ए ज्यादा पूछते, तो के इज डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, है ना। कैसे, देखो समझाता हूं आपको कि डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा या कम। आप देखो ध्यान से, आपके पास एसिड है सी एस थ्री सी ओ ओ एच, जैसे ये ब्रेक हो रहा है तो बनाएगा सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव जो है, वो नॉर्मली वीक एसिड्स होते हैं। दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा एसिड है, वीक, और वीक एसिड है तो बेटा वहां इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम होगा तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट भी होगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स COOH वाला पार्ट कितना टूट रहा है उसको बोलते हैं डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। देखो जितना ज्यादा ये टूटेगा, क्या उतनी ज्यादा एच पॉजिटिव आयन मिलेंगे, अरे बोलो, जितना डिसोसिएशन जितना टूटेगा उतना ही ज्यादा डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट होगा, और जितना ज्यादा डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट होगा उतना ही ज्यादा एच पॉजिटिव आयन होंगे, यानी उतनी अच्छा एसिड। इसका मतलब डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ना, तो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अब नेक्स्ट पीकेए, पीकेए क्या होना चाहिए, पीकेए आपका बेटा लो होना चाहिए। जैसे पीएच क्या होता है, पीएच इज कंसेंट्रेशन या पावर ऑफ, पावर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस, ये होता है पीएच। और पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन, या माइनस हटा दिया तो लॉग वन अपॉन एच पॉजिटिव, यानी एच पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा पीएच उतनी कम होगी। ऐसे ही के ए इज डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, तो पी के ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग वन अपॉन के ए। इसका मतलब के ए जितना ज्यादा पी के ए उतना कम, तो पी के ए क्या होना चाहिए, लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा कि अरेंज करो पी के ए की वैल्यू में, अरेंज करो के ए के टर्म में, तो ये आपके दिमाग में हर वक्त रहना चाहिए कि के ए का मतलब डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, जितना के ए ज्यादा होगा उतना डिसोसिएट ज्यादा होगा, जितना डिसोसिएट ज्यादा होगा उतना एच पॉजिटिव आयन ज्यादा देगा, जितने एच पॉजिटिव आयन ज्यादा देगा उतना अच्छा एसिड होगा, और जितना के ए ज्यादा पी के ए उतना कम। यही गलती करोगे, हर बार करते हैं बच्चे, तो ये बात समझ आई, अच्छा एसिड कौन है। चलो एक एग्जाम्पल से देखें, चलो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैंने आपको बोला सी एस थ्री सी ओ ओ एच एंड द सेकेंड इज एच सी ओ ओ एच। सी एस थ्री सी ओ एच इज बेटा एसिटिक एसिड, सी एस थ्री सी ओ एच इज एसिडिक एसिड, एच सी ओ एच इज, एच सी ओ एच इज फॉर्मिक एसिड। अब कैसे बताओगे कौन सा एसिड है, एक सिंपल सी ट्रिक, अगर एसिड है तो एच पॉजिटिव आयन देगा, कॉमन सी बात है, एसिड है तो एच पॉजिटिव, अगर एच पे पॉजिटिव तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब ऑक्सीजन के नेगेटिव को देखो बस, सी एस थ्री ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग, डोनेटिंग, यानी इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कॉमन सी बात है, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, इंडक्टिव इफेक्ट तो डिफाइन ही होता था विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए तो इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होता है। इसका मतलब यहां पर नेगेटिव, देखो ऐसे का मतलब कॉन्स्टेंट, ऐसे का मतलब कॉन्स्टेंट, कोई चेंज नहीं आ रहा, ऐसे का मतलब बढ़ना, और डाउन एरो मतलब कम होना। अब मुझे बताओ
जितना ज्यादा नेगेटिव होगा क्या वो उतना कस के एच पॉजिटिव को पकड़ के रखेगा? ये एच पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जितना ज्यादा होगा उतना कस के पकड़ के रखेगा? जितना ज्यादा कस के पकड़ के रखेगा क्या उतने आप छुड़ा पाओगे? तो बोलो अगर ये नेगेटिव है और इसने कस के एच पॉजिटिव को पकड़ा है तो क्या एच पॉजिटिव निकल पाएगा? अच्छा यहां तो इसने पकड़ा ही नहीं है तो एच पॉजिटिव निकल जाएगा। तो बोलो कौन एच पॉजिटिव ज्यादा देगा? फॉर्मिक एसिड। तो अच्छा एसिड कौन हुआ? फॉर्मिक एसिड। तो दिस इज द गुड एसिड। पता पड़ा? हम क्या लिख रहे हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ लिख रहे हैं। कौन ज्यादा एसिडिक है? बोलो के किसका ज्यादा होगा? के किसका ज्यादा होगा? अरे फॉर्मिक एसिड वो पीके किसका ज्यादा होगा? हाँ एसिडिक एसिड का। एकदम पहचान पा रहे हो? पीएच किसकी ज्यादा होगी? ज्यादा, कम नहीं बोल रहा, ज्यादा एसिडिक एसिड वह चल रहा है। पीके किसका कम होगा? पहचान पा रहे हो? चलो एक और क्वेश्चन दूं, चलो एक और देता हूं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, सी एच थ्री सी ओ एच एंड सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एच। बोलो विच वन इज अ गुड एसिड, फर्स्ट वन या सेकेंड वन? फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन। यहां पे सिर्फ सी एच थ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो नेगेटिव पड़ रहा है, लेकिन यहां पे सी एच टू भी दे रहा है और सी एच थ्री भी दे रहा है तो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? ज्यादा बढ़ गया। जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना स्ट्रांगली होल्ड करेगा एच पॉजिटिव को, और जितना स्ट्रांगली एच पॉजिटिव को होल्ड करेगा एच पॉजिटिव नहीं जा पाएगा। तो बोलो विच वन इज अ गुड एसिड? एसिडिक एसिड। चलो एक और बताओगे? चलो ये बताओ सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एच, है ना, ऐसे बनाते हैं सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ओ एच, और दूसरा है सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी ओ एच। बोलो इन दोनों में कौन अच्छा एसिड है? फर्स्ट वन या सेकेंड वन? फर्स्ट वाला। क्यों फर्स्ट वाला? देखो यहां पर ये इसको डायरेक्टली दे रहे हैं और ये यहां सप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट आ रहा है। दैट मीन इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, कितनी कमीशन खाएगा रे? इतनी थोड़ी खाएगा। यहां क्या हो रहा है? ये इसको दे रहा है तो कुछ ये खा रहा है, ये इसको दे रहा है तो कुछ ये खा रहा है, तब जाकर के इस बेचारे के पास पहुंच रहे हैं। दैट मीन्स यहां पे नेगेटिव चार्ज कम बढ़ेगा लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेगा। दोबारा समझो, यहां पर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहे हैं, यहां पे कमीशन खोर बहुत सारे ये कमीशन खा रहे हैं, है ना। अब बोलो कौन अच्छा एसिड? फर्स्ट वाला, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज कम ऑक्सीजन पे उतना एच पॉजिटिव आसानी से देगा। बोलो समझे? तो ये तो कुछ बेसिक एग्जांपल, अभी तो बहुत सारे करने, तो क्विकली नोट कर लो इसको, देन फिर हम लोग एग्जांपल्स करते हैं ना। चलो कर लो नोट। चलो तो देखो और एग्जांपल्स करते हैं बच्चों, है ना, अभी तो हमने शुरू किया है, अब तो एग्जांपल्स आएंगे। अब मैं आपको क्वेश्चंस देते जा रहा हूं, आप अरेंज करते जाओ फिर मैं अरेंज करूंगा। तो इसको मिटा देते हैं। देखो क्वेश्चंस लिखते जा रहा हूं मैं। मेरा क्वेश्चन है, वहां तीन क्वेश्चन हो गए ना, तो एग्जाम्पल नंबर फोर्थ में लिख रहा हूं सी एच थ्री सी ओ ओ एच और सी एच टू सी एच टू एन ओ टू सी ओ एच। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर फोर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर फाइव, सी सी एल थ्री सी सी एल थ्री सी ओ एच एंड सी एच थ्री सी ओ एच। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सिक्स, सी ओ एच एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सी ओ एच और सी एच थ्री एंड द नेक्स्ट इज सी ओ एच और एन ओ टू। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेवन, सी ओ एच और एन ओ टू एंड सी ओ एच और सी ओ एच और एन ओ टू। कितने एग्जाम्पल हो गए? सेवन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर एट, नोट करते रहो और बेटा सॉल्व करो,
एग्जाम्पल नंबर एट, सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एच एंड सी एच थ्री सी एच टू सी एल एंड सी एच टू सी ओ एच. आपको बताना है अच्छा एसिड कौन है भाई, है ना. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर नाइन, एफ सी एच टू सी ओ एच एंड एच सी ओ एच एंड सी एच थ्री सी ओ एच. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर टेन, एफ सी एच टू सी ओ एच सी एल सी एच टू सी ओ एच बी आर सी एच टू सी ओ एच. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11, सी सी एल थ्री सी ओ एच सी एच टू सी एल और सी ओ एच. इसको ए बी सी के फॉर्म में अरेंज करते हैं अपन लोग ताकि और अच्छे से कर लें. ए बी सी इज सी एच थ्री सी ओ एच, दिस वन इज सी एंड द लास्ट वन इज सी एच सी एल टू सी ओ एच. एग्जाम्पल नंबर डी. ठीक है. चलो अभी पहले एक और दे दूं. चलो एक और कर लो. लो भाई एग्जाम्पल नंबर 12, एनओ टू सी एच टू सी ओ एच, दिस इज ए एन सी सी एच टू सी ओ एच. एग्जाम्पल बी सी एफ थ्री सी ओ एच, एग्जाम्पल नंबर सी एंड सी एच टू सी एल सी ओ एच. एग्जाम्पल नंबर डी. आपको इसको अरेंज करना है ना. बाकी फिर इसके बाद देता हूं. पहले आप लोग इतने अरेंज करो. दो मिनट का टाइम है आपके पास, करो अरेंज. चलो तो करें. अब मेरी बारी, आप लोग क्रॉस चेक करो. देखो जरा ऑक्सीजन हर बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव जरूर डालो भाई. अगर क्वेश्चन अच्छे से करने हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन जरूर बनाओ, है ना. हर चीज को बहुत प्रॉपरली करना है. देखो सी एस थ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया. एनओ टू कैसा ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज कम हो गया. जितना नेगेटिव चार्ज कम उतना एच पॉजिटिव आसानी से रहेगा. दैट मीन्स ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, द सेकंड वन. नाउ एग्जाम्पल नंबर फाइव, देखो सी एस थ्री ग्रुप है कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, बढ़ाएगा. अच्छा देखो यहाँ पे सी सी एल थ्री है, यानी कौन आ गया, क्लोरीन आ गया. और क्लोरीन कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज कम. बोलो विच वन इज मोर एसिडिक, द फर्स्ट वन. इन तीनों में देखो मैंने क्या बोला, हर बार नेगेटिव पॉजिटिव जरूर बना लो ताकि आपको आराम से हेल्प मिले. यहाँ पर तो नॉर्मली रिंग जो है इलेक्ट्रॉन दे रही है तो नेगेटिव चार्ज तो बढ़ेगा क्योंकि रिंग भी क्या है, कार्बन की है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. यहाँ पे भी देखो रिंग इलेक्ट्रॉन दे रही है लेकिन सी एस थ्री भैया और इलेक्ट्रॉन दे रहे तो इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए. लेकिन यहाँ पे कौन है, एनओ टू, रिंग तो इलेक्ट्रॉन दे रही है लेकिन ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं यानी नेगेटिव चार्ज कम. तो बोलो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, इनको लिखते हैं ए बी और सी. सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, सी, सी के बाद ए और देन बी. तो ऑप्शन क्या हो गया, सी देन ए देन बी. बोलो पता चल रहा है, अरेंज कर पाओगे इस तरह से, तो ए बी सी लिख लो. क्लियर है. बोलो किस किस का सही था, हाथ उठाओ. एक दो तीन चार, शाबाश, है ना, आसान. नेक्स्ट, ऑक्सीजन पे नेगेटिव हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव हाइड्रोजन पे पॉजिटिव. अब बोलो एनओ टू कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और ये भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन तो दोनों खींच रहा है. अब बोलो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला. क्यों फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाला ज्यादा पास में है, फर्स्ट वाला ज्यादा पास में है जबकि ये दूर है. तो यहां पे कौन लग रहा है, यहां पे लग रहा है गॉड. कौन लग रहा है, गॉड, गेम ऑफ डिस्टेंस. और अब यहां पर दूर होने की वजह से नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है लेकिन यहां ज्यादा कम. तो बोलो कौन अच्छा है, एसिड, द फर्स्ट वन. नेक्स्ट, ये तो यार देख के बता दोगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव. क्लोरीन भैया लगे तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और नेगेटिव चार्ज कम होगा. जबकि सी एस थ्री सी एस टू क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है
यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो जितना नेगेटिव चार्ज कम उतना एच पॉजिटिव आसानी से निकलेगा। बोलो विच वन इज मोर एसिडिक, सेकेंड वन। इनमें भी ए बी सी लिख लो, ए और बी और सी। देखो फ्लोरीन लगाए, देखो नेगेटिव और पॉजिटिव, मैं बार बार नेगेटिव और पॉजिटिव लिख रहा हूं है ना, ताकि इजी हो मेरी, हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेगेटिव चार्ज कम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, नेगेटिव कम। यहां पे हाइड्रोजन, क्या इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्या डोनेट करेगा, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो। दैट मींस यहां पे ये कांस्टेंट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यहां पे CH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो नेगेटिव बढ़ रहा है। बोलो कौन सा अच्छा एसिड, ए बी या सी? कौन सा? ए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है ना, तो एच पॉजिटिव आराम से निकलेगा। इसलिए बोला कि नेगेटिव पॉजिटिव लगाओ और बहुत पेशेंसली करो, जल्दबाजी मत मचाओ। एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पे हर साल एक एक क्वेश्चन तो आता ही आता है मिनिमम, है ना, यानी आठ नंबर तो यहीं से बनते हैं, और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे भी एक आ सकता है, तो आठ नंबर यानी दो क्वेश्चन तो यहीं से बन के आपके नीट के है ना। नाउ नेक्स्ट, ए बी सी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। सबसे पहले मैं काम क्या करूंगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, सबसे पहला काम यही है मेरा। अब मुझे बताओ फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, चार्ज सबसे कम। क्लोरीन उससे कम है तो इलेक्ट्रॉन तो ये भी खींचेगा लेकिन कम, और ब्रोमीन तो उससे भी कम है, तो बस। तो बोलो कौन सबसे आसानी से एच पॉजिटिव देगा, ए बी या सी? ए, ए, ए देगा ना भाई, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत पेशेंसली करना है इसलिए, ठीक है। चलो आ जाओ, ए बी सी डी, तीन क्लोरीन जुड़े, एक क्लोरीन जुड़ा है, दो जुड़ा है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, तीन क्लोरीन जुड़े तो भैया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, देन दो क्लोरीन खींचेंगे, फिर एक क्लोरीन खींचेगा। अच्छा CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव बढ़ेगा, तो बोलो सबसे अच्छा एसिड कौन, ए, उसके बाद बी, उसके बाद एंड देन तो ए बी डी सी, ए डी बी सी, है ना, क्लियर है, बोलो किस किसका सही था। अरे शाबाश यार, तुम तो मेरा नाम एकदम रोशन कर दोगे, एकदम ऋतिक रोशन बना दोगे मुझे। चलो ट्वेल्थ, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, CN साइनाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है, NO2। लेकिन एक चीज देखो, NO2 एक अकेला और ये फ्लोरीन तिकेला, तीन है ना, तो बोलो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, NO2 या तीन फ्लोरीन, तो यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन खींच रहा है। अब इसके बाद कौन खींचेगा, इसके बाद NO2 खींचेगा। अब साइनाइड और क्लोरीन, बोलो साइनाइड या क्लोरीन, साइनाइड, तो अब इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, साइनाइड खींचेगा, और अब यहां पर चार्ज कम है ना, तो यहां पे तीन लगाते हैं या चार लगाते हैं या दो, और यहां पर देन क्लोरीन, अब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो अब चार्ज कम हो रहा है, तो बोलो सबसे ज्यादा चार्ज किस में कम हो रहा है, सी में, देन ए, देन एंड देन डी, तो सी ए बी डी। बोलो है आसान, बोलो कर लोगे? चलो जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर लो। हाँ बोलो, क्या समझ नहीं आया, कौन सा वाला, सिक्स्थ वाला। देखो दोबारा देख लो, सी ओ एच ग्रुप था, यहां पे एक रिंग जुड़ी है, क्या ये बेंजीन रिंग है, नहीं है, बेंजीन रिंग कब होती, जब अंदर रेजोनेंस हो रहा होता है ना, तब तो कहानी बदल जाती, समझ रहे हो। अभी ये सारी चीजें है ना रेजोनेंस में दोबारा पढ़ेंगे, ताकि और इम्प्रूव हो चीजें, है ना, ये तो बहुत बेसिक है अभी। तो ये वाली रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन इससे सी एस थ्री जुड़ा है यानी और इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन इससे कौन जुड़ा है, एनओ टू, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो एनओ टू इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, जबकि यहाँ पे सी एस थ्री दे रहा है तो बढ़ रहा है, और यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, सिर्फ रिंग है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा,
NO2, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक सी। अच्छा इन दोनों में इलेक्ट्रॉन कौन एच पॉजिटिव कौन आराम से देगा, ए, क्योंकि CH3 ने क्या किया है नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया ना, तो ए एंड देन बी, तो सी ए बी, बोलो पता चला। चलो कर लो अब नोट, चलो तो और क्वेश्चंस करें, चलो तो आगे बढ़ते, कुछ क्वेश्चंस और देता हूं आपको, है ना। अभी तो अपन ने शुरू किया है, 12 क्वेश्चंस हो गए, अभी तो 5-6 और करेंगे कम से कम। अब थोड़ा सा लेवल अप करूं, हाँ थोड़ा सा लेवल अप करते हैं भाई, है ना, कब तक ये छोटे छोटे लेवल पढ़ते रहेंगे, थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से अरेंज करना है आपको क्वेश्चन नंबर 13 CH3 CH2 एग्जाम्पल, है ना, क्वेश्चन ही एग्जाम्पल नंबर 13 CH3 CH2 CHCl and COOH, दिस इज ए, बी बना दूं यही CH2 CL CH2 CH2 COOH, दिस इज बी, और सी बना देता हूं CH3 COOH, दिस वन इज सी एंड डी इज HCOOH, दिस इज डी। चलो बताओ बताओ करो अरेंज, देख के बता दो, नोट करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, बताओ क्या होगा ऑर्डर, बी ए बी ए डी और कोई ए बी डी सी, लो तो ए बी डी सी कर देते हैं, ए बी डी सी और कोई, इसको लग रहा हो नहीं सर कुछ और चेंज होगा, सोचो और कोई सही है, चलो करके देखे, ये तुम लोगों का आंसर है भाई, ठीक है ये बच्चों का आंसर है, तो मैं बी लिख देता हूँ, बी से बच्चों, ठीक है। चलो मेरी बारी, क्लोरीन लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, भैया मैं तो बहुत आराम से करता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे किसी चीज की जल्दी नहीं है, मैं नेगेटिव पॉजिटिव बनाऊंगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज कम होगा, CH3 इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज, HCOH में हाइड्रोजन कुछ नहीं करेगा तो नेगेटिव चार्ज, यहां पे कौन जुड़ा हुआ है क्लोरीन, बोलो यहां पे क्या होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा और नेगेटिव चार्ज कम होगा, ऐसे ही होगा। याद करो मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में एक पॉइंट लिखवाया था कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, और आफ्टर 3 or 4 कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट इज नेग्लेजिबल, याद है। तो यहां पर 1, 2, 3 क्लोरीन पे, और इसको भी काउंट करो ना, 1, 2, 3, 4 फोर्थ कार्बन पे क्लोरीन लग रहा है, अगर फोर्थ पे लग रहा है तो यहां पे तो माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज नेग्लेजिबल, बोलो होगा कि नहीं। हाँ हाँ, तीन या चार कार्बन तक ही इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होता है एकदम, हाँ तो 4 है तो ना की बराबर हो गया ना, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना क्या होगा कम होता जाएगा, पहले कार्बन पे था फिर दूसरे पे पहुंचा, तीसरे चौथे पहुंचते पहुंचते उसकी रेंज खत्म हो चुकी है, यानी नेग्लेजिबल हो गया, लगभग खत्म सा हो गया। अगर ये तो खत्म हो गया, या मैं तो बोल रहा हूँ ठीक है भैया क्लोरीन थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन ये CO2 ये भी तो जिंदा है तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन देंगे, कुछ क्लोरीन खींचेगा लेकिन कुछ ये देंगे, समझ पा रहे हो। अब बोलो सबसे ज्यादा कौन, ए, देन डी, देन देन बी एंड देन, तो क्या हो गया ए डी बी सी, बोलो पता चला, है ना, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देख रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, पता चल रहा है, हाँ कितना बढ़िया क्वेश्चन है, तो आगे बढ़े कर लेना नोट यार, नोट करने के लिए बहुत टाइम है। अगला क्वेश्चन, चलो ये वाला आप लोग करोगे, ये तो आसान सा है, एग्जाम्पल नंबर 14 ये तो तुम लोग कर लोगे, CH3 CH Br और CH2 COOH A एंड देन
CH3 CH2 CH Br COH B, और CH3 का होल ट्वाइस CH COOH C, एंड द डी इज CH3 CH2 CH2 COOH. दिस इज डी, दिस वन इज डी. चलो कर डालो, करो जरा. देखो आप लोग गलती कहां करोगे मैं वो बता दूं, बस इनका स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाने में गलती करोगे, क्योंकि बेस क्लियर नहीं होते हैं हमारे, जिसकी वजह से हम स्ट्रक्चर गलत बनाए थे. तो इसको यहां बना दूं. देखो सबसे पहला क्या बोल रहा है, CH3, देन CH से Br जुड़ा हुआ है, देन CH2 एंड COOH दिख रहा है, देन उसके बाद दिस इज ए, बी इज CH3 CH2 CH Br एंड COOH, दिस वन इज बी. नाउ सी इज, देखो CH3 का होल ट्वाइस का मतलब क्या है, CH3 CH3 H एंड COOH, दिस इज सी, एंड डी इज CH3 CH2 CH2 COOH डी. बोलो क्या आप बता दोगे, तो एग्जामिनर ऐसे देगा ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ. अब कर दो अरेंज. बोलो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा, देख के पता पड़ रहा होगा, बोलो कौन सा, कौन सा, बी. कौन कह रहा है ए, बी है ना, हाँ सबसे ज्यादा बी होगा ना भैया, ब्रोमीन पास में, देन कौन होगा, अब बोलो ए, ए. सी और डी में बोलो, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो नेगेटिव पॉजिटिव ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन खींचे. अच्छा यहाँ पे ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है लेकिन यहाँ पास में है, यानी यहाँ पे क्या चल रहा है, गेम ऑफ डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन और ज्यादा खींच रहा है. यहाँ पर ये भी इसको दे रहा है, ये भी इसको दे रहा है, तो ये इसको दे रहा है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, और अब नेगेटिव ज्यादा बढ़ गया. अच्छा यहाँ पर कमीशन खाई जा रही है बीच बीच में, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ तो रहे लेकिन कम बढ़ रहे, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस में कम है, बी में, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक बी, देन उसके बाद कौन, ए. अब बताओ सी और डी में कौन, डी एंड देन सी, है सी, पता चला, तो दिमाग लगाना है, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा. चलो एक और बताओगे, तुम बताओ 15, COOH, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड. अभी पढ़ाऊंगा ओम्स गैप, ओम्स गैप पढ़ाऊंगा, उसमें सब आएंगे. ऑक्सैलिक एसिड, इसको मैंने लिखा ए, बी लिख रहा हूं CH2 COOH एंड COOH, ये मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड है ना, एंड दिस इज बी. सी बना दूं, सी इज CH2 COOH एंड CH2 COOH, दिस इज सी, एंड डी इज CH2 CH2 COOH एंड CH2 COOH, है ना. सी वाले का नाम है सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, एंड डी इज ओम्स गैप ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है, चारों के नाम ए बी सी डी. बोलो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, करो अरेंज. बोलो देख के बता दो, छापते रहना यार, पहले बताओ तो सही, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, ए बी सी डी, बोलो कौन होगा, ए. क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एल्काइल, देखो सब में दो दो एच पॉजिटिव आयन है सब में, लेकिन यहां पर कोई एडिशनल कार्बन नहीं है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, यहां पे दो आ गए भैया, यहां तो तीन आ गए, यहां एक था, यहां एक भी नहीं था, तो जितने CH2 ग्रुप बढ़ते जाएंगे उतना नेगेटिव चार्ज क्या होता रहेगा, बढ़ता जाएगा, यहां और बढ़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव,
देखो और बढ़ा, बट रहे हैं लेकिन बढ़ तो रहे हैं ना, बट रहे हैं दो तरफ लेकिन बढ़ तो रहे हैं, यहां पे और बढ़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो बोलो सबसे अच्छा एसिड कौन? ए, यानी यहां लिख दूं, यहां लिख देते हैं सबसे अच्छा एसिड ए, देन बी, देन सी एंड देन डी। बोलो कर पाओगे पक्का? चलो क्विकली नोट करो ताकि और क्वेश्चन करें। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कितने हो गए क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 है ना, ये 15 था बेटा। नाउ अब एग्जांपल नंबर 16, इतने करा दूंगा कि इनके बाहर से नॉर्मली आपको बहुत कम मिलेंगे, मिलेंगे भी तो इनसे रिलेटेड ही मिलेंगे, है ना। तो अब है एग्जांपल नंबर 16, एग्जांपल नंबर 16, ये मेरा बड़ा फेवरेट है, आप लोग बताना जरा मुझे। और यहाँ पे या थोड़ा सा आर की जगह एल्काइल ग्रुप की जगह ऐसे लिख लेते हैं ना, सी एच थ्री, और यहाँ पे सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, और ऐसे ओ एच और एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अरेंज करो, अरेंज करो एसिडिक ऑर्डर के बेसिस पे। बोलो विच वन इज मोर एसिडिक? सबसे एसिडिक करो एच टू ओ, सबसे ज्यादा एसिडिक तो एसिड ही होगा, इनमें एसिड कौन है? एसिडिक एसिड एसिड है ना, ए बी सी डी लिख ले, ए बी सी डी। भैया सबसे पहली बात कॉमन सी, एसिडिक एसिड एसिड है और एसिड तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गई, तो ये तो एसिड दिखती सोचने की बात ही नहीं है, दैट मीन सबसे ज्यादा एसिडिक तो ए होगा। अब बचिए तीन, अब इन तीन में देखो, इन दो में देखें बी और सी में पहले, फिर डी बाद में देख लेंगे। बी और सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, दोनों में ओ एच ओ एच ग्रुप आ रहा है, यानी ये तो होगा एच ओ एच और ये क्या होगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, ओ नेगेटिव एच ओ नेगेटिव एच पॉजिटिव, ओ नेगेटिव एच पॉजिटिव। अगर कोई सी एच थ्री दे रहा है इलेक्ट्रॉन, बोलो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा घटेगा? क्या हाइड्रोजन कुछ दे रहा है तो नेगेटिव चार्ज कॉन्स्टेंट, तो बोलो दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक? बी, बी मतलब वॉटर, देन कौन आया सी। एक चीज और समझो, बी और सी में कौन ज्यादा एसिडिक? बी ज्यादा एसिडिक, यानी वॉटर क्या होता है ज्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से, इथेनॉल से, है ना। देखा पंजाबी अपने कितने समझदार होते हैं, बोलते हैं वॉटर से ज्यादा क्या लेंगे एल्कोहल, जितने भी दारू पीने वाले लोग हैं वो समझदार है, बोलते हैं पानी बचा रहे हैं और एसिडिक है नुकसान करेगा, बोलते हैं अल्कोहल पीते हैं कम एसिडिक है, समझ रहे हो। तो वो क्या करते हैं अल्कोहल, क्यों बहुत ज्ञानी होते हैं दारूबाज, बहुत ज्ञानी होते हैं, है ना। हाँ, और देन लास्ट कौन आ गया डी। अब यार डी में ये जो कार्बन है नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव यहां पे तो था, अब यहां पे इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3.25, ऑक्सीजन की कितनी है 3.5। अब ऑक्सीजन से H पॉजिटिव आसानी से हट रहा है, यहां से H पॉजिटिव आसानी से नहीं हट रहा। चलो अब इसको एक्सप्लेन करो मुझे, B और C में तो पता पड़ गया कि कौन ज्यादा एसिडिक है, B ज्यादा एसिडिक है, मुझे C और D में बताओ आप, दिमाग लगाओ। देखो मैं बताऊं, जैसे ही H पॉजिटिव हटेगा ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आया नेगेटिव, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी भी आपने लिखा कितना, यहां से हाइड्रोजन हटा तो कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी 3.25। क्या हमने ये पॉइंट पढ़ा है? कोई बात नहीं देख लेते, नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, बोलो पढ़ा है कि नहीं इन पीरियड, हम ये पीरियड की बात कर रहे हैं, है ना। ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में नेगेटिव, हाँ नेगेटिव ऑन लार्ज साइज इज मोर स्टेबल, लेकिन कब, इन ग्रुप, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। अब बोलो कौन एच पॉजिटिव देख करके ज्यादा स्टेबल हो जाएगा,
सी या डी, सी ज्यादा स्टेबल रहेगा और हर कोई क्या चाहता है मैं स्टेबल बनूं, तो बोल रहे अगर एच पॉजिटिव जा रहा है ना तो जा तू चले जा, मैं तेरे बिना भी जी लूंगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, नहीं मुझे छोड़ के मत जा, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। समझ पा रहे हो? तो बोलो कौन ज्यादा एसिडिक, सी एंड देन डी। तो ए बी सी डी बोलो था आसान, अरे बहुत लल्लू था, बस दिमाग लगाना था और ये पॉइंट याद रखने थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, ये असर्शन रीजन टाइप में करा रहा हूं, इस क्वेश्चन को मिटा के इधर लिख रहा हूं, ये आप लोग नोट कर लेना, है ना। तो असर्शन रीजन टाइप में कर रहे हैं इसको अपन लोग, ताकि एक नई चीज पता पड़े, है ना। यहां लिखता हूं एक्सप्लेन वहां करेंगे, है ना। सबसे पहले हम यहां पे एग्जाम्पल नंबर 17 असर्शन, असर्शन का मतलब एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट बोल रही है फर्स्ट डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ऑफ मैलिक एसिड, मैलिक एसिड इज मोर, यानी ज्यादा है एज कंपेयर टू, कंपेयर टू फ्यूमेरिक, एफ यू एम ए आर आई सी, फ्यूमेरिक एसिड। वाइल, जबकि, वाइल जबकि सेकेंड डिसोसिएशन, जबकि सेकेंड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इज लेस। और रीजन आपको क्या बोला हुआ है, देखो रीजन और असर्शन दोनों जो मैं कराता हूँ वो करेक्ट ही कराता हूँ, तो मैं दोनों वाले राइट ही लिखवाऊंगा, है ना। तो यहां पे आपको बोला हुआ है रीजन में एन आयन फॉर्म बाय मैलिक एसिड, मैलिक एसिड इज स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो यहां पे असर्शन और रीजन बेटा दोनों के दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है। अब सबसे पहले मैं आपको मैलिक एसिड और फ्यूमेलिक एसिड का स्ट्रक्चर तो बता दूं। तो मैलिक एसिड इज सी डबल बॉन्ड सी एच एच सी ओ ओ एच एंड सी ओ ओ एच। फ्यूमेलिक एसिड इज एच सी ओ ओ एच डबल बॉन्ड H and C, H and C O O H. This is malic acid. This is malic acid. यहां से क्वेश्चन आएगा, आप सोचते रह जाओगे ये है ही क्या, है ना। हाँ, और this is fumaric acid. अब बोला है कि पहला dissociation constant, जरा ध्यान से सुनो, जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था वहां पे जाओ, जैसे लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो मैंने डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ाया था के, के ए, और बोला था जितना डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा उतना एसिडिक करेक्टर ज्यादा। तो मैलिक एसिड जो है ना उसका के ए ज्यादा होता है, इसको एम मान लेते हैं, है ना। जब इसको भी डिसोसिएट कर रहे हैं तो इसका भी के ए एफ है, तो उसने क्या बोला कि के ए एम जो है वो ज्यादा होता है के ए एफ से, है ना, वो भी फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। यानी पहला डिसोसिएशन हुआ, पहला डिसोसिएशन में क्या हुआ, सिर्फ ओ नेगेटिव और एच पॉजिटिव था, यानी एच पॉजिटिव हट गया, इसको क्या बोला फर्स्ट डिसोसिएशन बोला। यहां पे भी ओ नेगेटिव और एच पॉजिटिव ये हट गया, इसको क्या बोला फर्स्ट डिसोसिएशन। फर्स्ट डिसोसिएशन का मतलब एक सी ओ ओ एच ग्रुप से एच पॉजिटिव निकल गया, दैट्स इट, इतना ही बोला। क्या बोला, फर्स्ट डिसोसिएशन मैलिक का ज्यादा होता है, ठीक है होता होगा, अब मान लेते हैं, याद रखेंगे मैलिक का ज्यादा होता है। लेकिन उसने बोला सेकंड डिसोसिएशन फ्यूमेरिक का ज्यादा हो रहा है, क्यों? तो इसको देखो, अगर इसको मैं बनाऊं तो कैसे बना सकता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एच एच सी ओ ओ नेगेटिव एंड सी ओ ओ एच, इसका बनाए तो एच सी डबल बॉन्ड सी ओ ओ नेगेटिव कार्बन एच और सी ओ ओ एच। अब क्या बोला कि इसका डिसोसिएशन ज्यादा है, क्या बोला
के ए एफ सेकेंड जो है यानी फ्यूमेरिक एसिड का जो है वो ज्यादा है के ए मैलिक एसिड से, है ना, सेकेंड क्यों ज्यादा है, यानी ये आसानी से क्यों टूट रहा है, ध्यान से सुनो, जब पहली बारी में ये आसानी से डिसोसिएट हो रहा है तो दूसरी बारी में क्यों नहीं हो रहा भाई, दूसरी में भी होना चाहिए लेकिन दूसरी में तो ये ज्यादा हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वजह से यहां पे हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अभी आसानी से ब्रेक नहीं होगा, ये ऑक्सीजन तो जाने ही नहीं दे रहा था, इसने भी पकड़ लिया, बोला अरे ऐसे कैसे जाएगा भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तू मेरे साथ, जाने नहीं दूंगा, पता चला, बोलो डाउट है, क्लियर हो गया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, और इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त और एसिडिक करेक्टर होता है समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, है ना, तो नोट कर लो बच्चों।